ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक करेंगे वो कौन कौन सा है? देखो, एक तो बेल, एक करौंदा और दूसरा क्या है? फालसा। ये तीन इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है बेल। इन सबसे प्रश्न नाक के बराबर आते हैं तीनों क्रॉप में, तो आज उतना कोई खास है नहीं, फिर भी पढ़ना तो काम है, पढ़ तो लेंगे। ये बेल है, ये बेल के ऊपर वाले भाग क्या होते हैं? कठोर, जिसको बोलते हैं ऐसा फल जिसके फल भित्ति कठोर हो, तो इसे बोलोगे आज के बाद एम्फी सरका। क्या बोलेंगे बताओ? एम्फी सरका। किसका फल प्रकार है? तो ये है बेल का। अब इसको जब खाओगे, कब खाते हैं बताओ? इसकी तुड़ाई कब होती है? दिमाग लगाओ, जरूरी है पढ़ाना। अरे कभी देखे हो इसकी तुड़ाई? इसके जूस कब बनाते हैं? गर्मियों। बस तो ऐसे, तो जूस कब बनाए होंगे? जब ये टूटा होगा, पका होगा, तभी तो जूस बने होंगे। इसका मतलब इसकी तुड़ाई होते हैं मई जून, यानी आम भी इसी टाइम आता है, जामुन भी इसी टाइम आते हैं और बेल भी इसी टाइम आता है। कौन कौन आते हैं बताओ? आम भी इसी टाइम आते हैं, जामुन भी इसी टाइम आते हैं, बेल भी इसी टाइम आते हैं, यानी इन तीनों की उत्पत्ति भारत है सर। तो भारत वाले फल की तुड़ाई ही होते हैं बारिश के मौसम में। कब होते हैं इसकी तुड़ाई बताओ? बारिश, मई जून का महीना, क्योंकि उस टाइम अपने थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बारिश हो रहा है तो फल उल खाओ, ये सब फल को खाना है। अब इसका वनस्पतिक नाम क्या है? देखो, एगल मार मोलस। इसमें एक पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, उसका नाम है मारमेलोसिन। क्या नाम है? मारमेलोसिन। किसमें पाया जाता है? बेल में पाए जाते हैं। इसकी कुल की बात करें तो क्या होगा? रूटेसी। रूटेसी और किसका कुल है बताओ? रूटेसी और किसका है? नींबू वर्गीय का क्या है? रूटेसी। उत्पत्ति की बात करें तो कहाँ है? इंडिया। फल प्रकार क्या होगा इसका? एम्फी सरका। क्या है फल प्रकार? एम्फी सर। गुणसूत्र की बात करें तो वो कितना है? 36। 36 और किसका था? खजूर का। किसका था और किसका है? फालसा का। इनके क्रोमोजोम की संख्या कितना है? 36। उपनाम की बात करें, कॉमन नेम की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन एप्पल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूर से ऐसे पीला पीला हो जाएगा, छोटा रहेंगे तो दूर से देखोगे तो सेब के जैसा लगेगा, सोना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एप्पल। अगर ये सच में सोना होता तो। विटामिन की बात करें कि बेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें विटामिन पाए जाते हैं विटामिन B2। यह एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B2। अम्लीय मृदा के लिए सहनशील की बात करें तो ये क्या है? एसिडिक सॉइल क्या है? टॉलरेंस। और जबकि बेर की बात करें, बेर, तो ये क्या है? सेलाइन टॉलरेंस, यानी बेर लवणीय मृदा में होगा अच्छा, और ये कहाँ होते हैं? अम्लीय मृदा में। तो दोनों में ध्यान रखोगे। क्या क्या प्रश्न पूछेगा बताओ? 2N बराबर कितना है? 36, कभी आते नहीं है। बोटनिकल नेम क्या है? एगल मार्मोलस। कुल क्या है इसका? रूटेसी। उत्पत्ति कहाँ है? भारत। फल प्रकार, ऊपर का भाग कठोर होगा, क्या कहलाएगा? एम्फी सरका। ये इंपॉर्टेंट केवल है। कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन B2। कौन सा है? अब मिट्टी की बात करें तो सब में वही मिट्टी है, कौन सा बताओ? सैंडी लोम। कौन सा है? सैंडी लोम। ये इंपॉर्टेंट है। सॉइल की बात करें तो सैंडी लोम। अब ये अम्लीय मृदा होगा तो इसकी पीएच 7 से क्या होंगे बताओ? कम होंगे। बेर जो होता है वो सेलाइन सॉइल में और बेल जो है वो एसिडिक सॉइल में। प्रवर्धन की बात करें, प्रोपगेशन की बात करें तो कौन सा प्रोपगेशन है? पैच बड़े, और इसकी दूरी कितना रखते हैं? 8x8। तो गड्ढे की साइज जब खोदोगे, पिट की साइज, तो कितने होंगे? 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75। होना चाहिए था कितना? 80, लेकिन ऑप्शन में क्या आएंगे? 75। और इसका भंडारण कितने डिग्री पे करते हैं? 9 डिग्री। कितने पे है? 9 डिग्री सेल्सियस। अब आगे किस्म, किस्म कभी नहीं आते हैं, पर एक दो आप याद रख लेना, ये वाले लाइन बस।
पंत अपर्णा पंत सुजाता किसकी इंपोर्टेंट वैरायटी है? पंत अपर्णा पंत सुजाता पंत उर्वशी। तो ये याद करा दो, पंत पंत वाले किसका ध्यान में रखोगे? इधर फलों में बेल का, किसका? फलों में पंत पंत किसका होता है? बेल का। और सब्जियों में पंत बैगन का। अरे अच्छा अच्छा ट्रिक बन रहे हैं। पंत की अगर बात करें तो फ्रूट में पंत किस में लगा होता है? बेल, ब से बेल। और सब्जियों में किस में? बैगन। किस में है? बैगन पंत। और में पंत लगते हैं लेकिन जनरली फलों में इसी में देख। तो पंत उर्वशी ये भी काम आ जाते हैं अपने। गोरखपुर मिर्जापुरी ये सब किसके हैं वैरायटी? बैगन के। बाकी इसकी वैरायटी छोड़ देना, बेल की, बैगन की बोल रहा हूं। तो पंत वाले किसकी वैरायटी है बताओ? बेल की। ठीक है, आगे खत्म। आज तो जल्दी मुलाकात खत्म हो जाएंगे। अगला है करौंदा। नेक्स्ट क्या है बताओ? करौंदा। करौंदा जानते हो, इसमें एक ही प्रश्न बनते हैं। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन की प्रतिशत क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं? 39। कौन सी करौंदा में होगा? सूखा करौंदा। ये सब इंपॉर्टेंट। कौन सी करौंदा में? सूखा करौंदा में लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा प्रचुर पाए जाते हैं। अगर इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो क्या नाम है? केरिका कैरेंडस। क्या नाम है? केरिका कैरेंडस। ये स्लाइड लिखने से फायदा होता है ना कि तुम 3-4 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। वो करौंदा है। क्या है वो? करौंदा में श्रब्स होते हैं यानी झाड़ी नुमा होता है, या लकड़ी होते हैं लंबे, या साख होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ये झाड़ी नुमा होता है। तो ये कैसा प्लांट है बताओ? श्रब्स है, जिसको बोलते हैं छूप। लिखूं कैसे हिंदी में? क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। तो वनस्पतिक नाम इसका बात करें तो केरिका कैरेंडस। कुल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है इसका, एपोसाइनेसी। और किसका होता है बताओ? सर्पगंधा का। क्या होता है? एपोसाइनेसी। जबकि असुगंध की बात करें तो उसका होता है सोलेनेसी। असुगंध का क्या है? सोलेनेसी। उत्पत्ति की बात करें तो क्या है उत्पत्ति बताओ? भारत। कैम प्लांट है। कैसा प्लांट है? कैम प्लांट। और कैम प्लांट कौन कौन है? अनानास है, एलोवेरा है, और कौन है? नागफनी। अनानास, एलोवेरा और नागफनी, ये सब सारे कैसा है? कैम प्लांट है। तो इससे क्या प्रश्न बनेगा? एक तो कैम प्लांट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एक पूछ लेगा फैमिली क्या है, तो फैमिली है एपोसाइनेसी। बोटनिकल नेम क्या है? केरिका कैरेंडस। क्या है? केरिका कैरेंडस। उत्पत्ति कहाँ है? इंडिया। तो अभी बेल पढ़ा, उसकी उत्पत्ति इंडिया। जामुन की उत्पत्ति इंडिया। फालसा पढ़ोगे उत्पत्ति इंडिया। लसुआ पढ़ोगे उत्पत्ति इंडिया। यानी ये सब फल कोई ज्यादा खास इंपोर्टेंस रखते नहीं है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। करौंदा का बनता क्या है? अचार। क्या बनते हैं बताओ? करौंदा का क्या बनेगा? अचार। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट, सूखे करौंदे में आयरन की मात्रा कितनी होती है ये याद रखना। ड्राई फ्रूट्स में, सॉरी ड्राई करौंदा लिख दूं, ड्राई करौंदा में क्या मात्रा पूछा है? आयरन का कितना है? 39%। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22। किस किस में 22 आपने पढ़ा था? जल्दी जल्दी बता दो। किस में? अमरूद में। और अमरूद, और एक लिखा था ना, ये किस में लिखा था? पलक, पलक तक, इसी में लिखा था ना, पलक तक। प से परवल। परवल में 22 होते हैं, कहीं गलत ना लिखा दो रे। ल से लौकी, ल से लौकी। क से करेला, क से करेला। त से तरबूज, त से तरबूज। और क से करौंदा, वही लगा। हाँ ठीक है, तब सही चल रहा हूं। पलक तक, ठीक है। तो अमरूद, इन सब के क्रोमोजोम कितने आए? 22। कौन सा भूमि में ये उगाया जाता है? बंजर भूमि, रेतीली भूमि में ये क्या होते हैं? उगाए। कभी इसका प्रश्न है, बस 2-3 याद रख लेना। बताओ करौंदा का बोटनिकल नेम क्या है? केरिका कैरेंडस। एक बार और इधर से देख लो, बाकी इसमें क्या पढ़ना है? केरिका कैरेंडस। इसकी फैमिली क्या होता है? एपोसाइनेसी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 22। उत्पत्ति कहाँ है? भारत। कितना प्रतिशत आयरन पाया जाएगा? लोहा 39%। कैसा प्लांट है? कैम प्लांट है। और कौन है? नागफनी। आर ये सब भी कैसा है बताओ?
कैम प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंजर भूमि में उगाया जाता है। अब प्रवर्धन किसके द्वारा करोगे? बीजों के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं बताओ? तो ये है बीजों के द्वारा। तो आखिरी बार चल रहे हैं बताओ बीजों के द्वारा, क्योंकि समापन की ओर चल रहे हैं फ्रूट्स का। तो शुरू से बता दो, बीज के द्वारा कौन आया था? पपीता। पपीता को किसके द्वारा करते हो? बीजों के द्वारा। उसके बाद नींबू में कौन? कागजी नींबू। कौन सा नींबू? और कागजी नींबू को आप लोग क्या बोलोगे? एसिड लाइम। कौन सी लाइम है बताओ? एसिड लाइम, जिसका प्रवर्धन हम किसके द्वारा करते हैं? बीजों के द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे? पपीता, कागजी नींबू, उसके बाद फालसा। कौन सा है? फालसा। उसके बाद बेल। बेल का तो पैच बडिंग हो गया ना, करौंदा। कौन सा है? करौंदा। उसके बाद लसुआ में भी हम करेंगे लसुआ। ये सब में हम करते हैं किसके द्वारा? बीजों। और बीजों के द्वारा पूछा जाए तो जामुन में भी करते हैं बीजों के द्वारा, मैंगो स्टेन में भी करते हैं, मैंगो स्टेन में भी किसके द्वारा? बीजों के द्वारा। तो ये हो गए बीज। अपने एग्जाम में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तीन याद रखना, एक तो पपीता, कागजी नींबू और ये फालसा। ठीक है, करौंदा झाड़ी नुमा होते हैं तो उसको हार्डवुड कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति कितना रखते हैं? 3x3। अगर करौंदा पढ़ लिया तो फालसा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल बोटनिकल नेम ऑफ फैमिली बदल जाएंगे। उपज की बात करें तो कितना है बताओ? 4 से 5 किलोग्राम प्रति पौधा। यील्ड कितना है? 4 से 5। दूरी कितना रखोगे? 3 से 3। किसके द्वारा प्रवर्धन करेंगे बताओ? बीजों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बीज के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें आ गया पंथ पंथ पंथ। अभी तो पंथ याद किया था बेल में, फिर पंथ कहाँ आ गया बताओ? करौंदा। तो दिक्कत आ रहे हैं, पंथ मनोहर, पंथ सुदर्शन और पंथ स्वर्णा। पर मेरे हिसाब से मत ध्यान रखना ये सब, कितने वैरायटी है, इसे कितना याद रखते रहोगे। पंथ मनोहर, पंथ सुदर्शन और पंथ स्वर्णा, ये इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए एग्जाम में। जब बड़े एग्जाम दोगे JRF इन सब में, भाई प्रॉपर माइनर फ्रूट्स भी पढ़ते हैं उसमें, सब आते हैं, पर हम सब इसको कोई काम का नहीं, रहने देना। अब हम बात करेंगे किसका? फालसा के। किसकी बात करेंगे? ये लाल रंग जो फालसा देख रहे हो, यही इंपॉर्टेंट आता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण लाल रंग है? एंथोसाइनिन। अब इसका एक बोटनिकल नेम आपसे पूछ लेगा, ग्रीविया सबिनुकुलिस। क्या नाम होता है? ग्रीविया सबिनुकुलिस। और इसका ये आते हैं बार बार, क्या आता है बताओ? फैमिली। तो इसका इंपॉर्टेंट और एक बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम क्या है बताओ? ग्रीविया सबिनुकुलिस। अब और किसका ये फैमिली होता है जानते हो? जूट का भी क्या होता है? टिलियेसी। उत्पत्ति की बात करें तो इंडिया, बाकी अब सेम। फल पर आपको पहले बीजिए, सीडेड किसमें होता है? फालसा। सिंगल बेरी की बात करें, सिंगल सीडेड, तो वो किसमें होता है बताओ? एक बीज के बेरी होता है खजूर में। किसमें होते हैं? खजूर में। सिंगल सीडेड ये होगा डेट में, खजूर में। अब वो बीजिए किसमें होता है? फालसा में। तो एक फालसा का एक साइंटिफिक नेम याद रखना क्या है? ग्रीविया सबिनुकुलिस। क्या नाम है? ग्रीविया सबिनुकुलिस। अब हम बात करेंगे इसके गुणसूत्र की संख्या, 2n बराबर कितना है बताओ? 36। 2n बराबर कितना है? 36। ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरिसेबल फ्रूट्स। पेरिसेबल क्या होता है? ऐसा फ्रूट्स जो जल्दी क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेरिसेबल। फालसा का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। तो ये लाल रंग। अब इसकी कटाई छटाई यानी कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कब करोगे? प्रूनिंग कब करोगे? इसकी दिसंबर में। कब करोगे? और अंगूर का भी कब करते हैं बताओ? दिसंबर में। प्रोपगेशन किसके द्वारा करोगे? तो प्रोपगेशन करते हैं बीजों के द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। ज्यामिति कितना रखेंगे? 3x3। उपज कितना रहेगा? 4 से 5। यील्ड कितना होगा? 4 से 5। सही है। तो ये हो गए, फालसा भी आपके समाप्त, करौंदा समाप्त हो गए। कुछ और है ना इसमें? डिजीज आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। भूरा धब्बा किसमें लगते हैं बताओ? ये लगते हैं फालसा में। ब्राउन स्पॉट क्या होते हैं? इस तरह के भूरे भूरे धब्बे लगेंगे, ब्राउन स्पॉट। पेस्ट की बात करें तो 3 तरह के इसमें कीट के नाम ये आपको याद रखना है, कौन कौन। एक का नाम है मीली बग। कौन सा बग है बताओ? मीली बग। ये हो गया बार्क ईटिंग कैटरपिलर, BECE, इसको बार्क ईटिंग। और ये लीफ ईटिंग कैटरपिलर, लीफ ईटिंग
तो ये चारों माला जैसा है वो सब में आते ही है, जहां जहां तना होगा वहां वहां ये आ जाएंगे, कौन बार ईटिंग कैटर पिलर। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों फल। बताओ कंप्लीट है कि कुछ इसमें कुछ नहीं है ना। लसुआ का एक नाम लिख लो, लिखा हुआ है ना कोडिया डाइकोटोमा। डाइकोटोमा इसका फैमिली एक याद रखना, बोरा एसी, बोरा नहीं, बोरा जीनेसी, यानी कि बोरा गणेश जी चले जाएं। लसुआ का फैमिली क्या है? बोरा जीनेसी। ठीक है, याद रहेंगे नरेंद्र भैया। खराब हो गया बस, खराब कर दिया तो आज की कहानी समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, कल शुरू हो जाएगा आपका भेजना।